नमस्कार साथी, मैं कुंदन। सेवंथ फेज नोटिफिकेशन सीटेट बीटेट का अगर अति शीघ्र चाहिए, एकदम अति शीघ्र मींस कहने का मतलब कि नोटिफिकेशन जो इतना डिले हो रहा है, अगर अति शीघ्र चाहिए तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक पॉइंट जिंदगी और जंग से जुड़ी हुई है दोस्त, और इसको शेयर कीजिएगा जरूर ताकि लोग जागरूक हो सके। मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं दोस्त, और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूं दोस्त। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट में है कि सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाना चाह रही है, और हमेशा से चलवाते आ रही है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अब हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है। इस सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार विगत बहालियों से आप देख सकते हैं, एसएससी हो, बिहार एसएससी से लेकर के जितने भी हैं सीटेट 2011 का स्टेट, उसमें आपने देखा मेरे दोस्त कि एक दूसरे को लड़ा करके सरकार रखती है, चाहे सीटेट बीटेट हो, चाहे डीएलएड बीएड हो, चाहे स्टेट के मेरिट नॉट मेरिट की लड़ाई, सरकार लड़ा करके रखना चाहती है मेरे दोस्तों। संजय सर ने पिछले बार साफ साफ कहा, हम प्रत्येक बार हमारी टीम, और हम हमेशा शुक्रवार को जाते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को, तो संजय सर के द्वारा साफ साफ कहा गया कि एस्टेट 2019 सचिवालय में कहा गया कि एस्टेट 2019 और प्राइमरी वाला का नोटिफिकेशन साथ साथ आएगा, क्योंकि एस्टेट सिक्स फेज का जब तक कंप्लीट नहीं होगा 2011 का, तब तक नोटिफिकेशन नहीं देने वाले हैं। तो साफ साफ जाहिर हो गया मेरे दोस्त कि सरकार बरगलाना चाहती है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाना चाहती है। इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को डिस्ट्रॉय करना होगा, तोड़ना होगा। इसके लिए क्या है करना होगा मेरे दोस्त, तो पॉइंट नंबर टू समझिएगा। पॉइंट नंबर टू है कि जब सबका साथ साथ नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग एस्टेट अभ्यर्थी, सीटेट अभ्यर्थी, बीटेट अभ्यर्थी 1 to 12 का महाविशाल आंदोलन जो 7 मई का हो रहा है, और 7 मई से 9 मई को इसमें क्यों न सम्मिलित हो, एक दूसरे को साथ देंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। 7 तारीख को सीटेट वाले का साथ देना है, और 9 तारीख वाला को एस्टेट को साथ देना है मेरे दोस्तों। दोस्त अब यहां पे प्रश्न उठता है कि हम लोग साथ आंदोलन क्यों करेंगे, क्यों 1 to 12 को मिलकर आंदोलन करना चाहिए। ये इस बात को कान खोल करके, जो रुआ डाल करके अभ्यर्थी सीटेट वाले सुन रहे हैं, उसको रुआ को निकाल करके सुनिएगा। मैं ध्यान से कहना का चाहता हूं मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि मुद्दा सेम है, नोटिफिकेशन। अभ्यर्थी सारे सेम है, जो स्टेट पास है लगभग सीटेट पास है। सिक्योरिटी सेफ। अगर स्टेट का नोटिफिकेशन साथ साथ आता है तो कटअप इसका 60% नीचे वाला का भी हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं 2000% का। दोस्त बहाली नोटिफिकेशन निकलना मायने रखता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन से ज्यादा मायने रखता है नौकरी होना, बहाली होना। तो ये तभी संभव हो सकेगा जब एस्टेट का आएगा, फिर सीटेट का आएगा। दोस्त मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, एक पॉइंट और कहना चाहता हूं कि भीड़ का फायदा सारे को समझा दे। मुद्दा सेम है, अभ्यर्थी सेम है, सिक्योरिटी है, हम लोग सेफ है। सीटेट जब एस्टेट में हो जाएगा तो फिर सीटेट में काहे ज्वाइन करेगा, एकदम कटअप। पिछले बार क्या हुआ, 70 से जो ओबीसी वाले थे 70% 68% के नीचे वाला का नहीं हुआ, बच गए सारे अभ्यर्थी। अगर स्टेट का हो जाएगा तो सबका हो जाएगा, इसलिए सब लोग साथ मिलकर हम लोग 1 to 12 का आंदोलन करेंगे। कुछ लोग जो सीटेट पास, वो सोच रहे हैं कि स्टेट का नहीं हम समर्थन में जाए। कुछ स्टेट अभ्यर्थी जो सीटेट पास नहीं, भीड़ अगर कम होगा तो पुलिस मार मार के भगा देगी, इसलिए साथ होना जरूरी है। एक साथ की जरूरत है, चाहे मेरिट हो, नॉट मेरिट हो, सीटेट हो। दोस्त नोटिफिकेशन निकलवाना, बार बार मैं कहना चाहता हूं, उससे मायने रखता है नौकरी होना। पॉइंट नंबर 3 मैं दोस्त कहना चाहता हूं, मैं इस सारे मुद्दों पर मैं जब फीडबैक लिया,
एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को फोन कर करके सारे सारे को जब फोन कर करके फीडबैक लिया गया, सारे अभ्यर्थियों से फीडबैक लिया गया, अति शीघ्र नोटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट है अति शीघ्र नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं सारे अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों का कहना है यहां पे कि कुछ का उम्र सीमा एक्सपायर कर रहा है सर, नोटिफिकेशन किसी भी हाल में निकलवाना होगा। खाने के लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने को लोग मोहताज हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बेचारे आत्महत्या के कगार पर आए हुए हैं। कुछ ऐसे असहाय गरीब लाचार हैं, अपंग पंगु बने हुए हैं दोस्त, जो एक एक दिन रात रात भर सोते नहीं है दोस्त। तो इसका सब का दवा एक ही है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। तो इसके लिए हम लोग को 1800 से 2000 भीड़ की संख्या अगर नहीं रहेगी तो सरकार भगा देगी, 2000 से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए अभ्यर्थियों का फीडबैक है कि सर परमंडल वाइज आप मीटिंग करिए, परमंडल वाइज आप सम्मेलन कीजिए जा करके। तो लोगों का पहले हम लोगों ने फीडबैक लिए तो निर्णय लिया गया कि 30 तारीख को ट्यूटर जो गांधी मैदान में हो, हम लोग पटना गांधी मैदान में फिजिकली रह करके सब मिल के करेंगे 30 तारीख को। 1 तारीख को दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी में हम लोग पूरी टीम जाएगी पटना से, और वहां पे मीटिंग है 1 तारीख को। 2 तारीख को तिरहुत में मीटिंग है, भगवानपुर चौक के पास। 3 तारीख को पूर्णिया कोसी में, 4 तारीख को भागलपुर मुंगेर में, 4-5 को। 5 तारीख को सारण में, और 6 तारीख को मगध और पटना में, और 7 तारीख को जो मीटिंग हम लोग का है सीटेट महाविशाल का आंदोलन है पटना में। दोस्त मैं कहना चाहता हूं 9 तारीख को पूरे बिहार के एस्टेट अभ्यर्थियों का आंदोलन है, तो सीटेट वाला एस्टेट को साथ देंगे, एस्टेट वाला सीटेट को, क्योंकि अभ्यर्थी सेम है मेरे दोस्त। कहना चाहता हूं जहां पे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दोस्त, समझिए इस बात को। कुछ चंगू मंगू कुछ नेता के फेर मत पड़ी, सब अपने आप में एक नेता है। कुछ लोग लीडर के फेर में अपने हिसाब से सोचिए कि नोटिफिकेशन क्या 100-200 की भीड़ निकलवा देगी, सरकार डीले करेगी 3 महीना 4 महीना 5 महीना कर करके 3 महीना का नोटिफिकेशन आ गया तो सरकार क्या 3 महीना के बाद नोटिफिकेशन में सरकार अगर क्या गारंटी है कि 3 महीना के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका 3 नियोजन इकाई बचेगा फिर 3 महीना टाइम लेगा, 2 नियोजन इकाई बचेगा फिर 2 महीना टाइम लेगा, ऐसे कर करके 2024 और 25 ला देगा और सबका उम्र सीमा एक्सपायर हो जाएगा, खाने खाने का लोग मोहताज हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। दोस्त इतने पढ़े लिखे हैं हम लोग, जिस दिन एक बार बेटा पर आप लोग भरोसा करके देखिए, कुंदन आज तक जितने भी और कुंदन की टीम ने आंदोलन किया सफल हुआ है। आज तक जितने हम लोग टीम, चाहे सीटेट का 6 फीस का आंदोलन हो उसमें जो रोड पर थे उन्हें बोर्ड पर लाने का काम किया, चाहे एस्टेट का हो, चाहे एस्टेट का सर्टिफिकेट दिलाने का काम हो, चाहे ऐसे कई आंदोलन जो सफल रहा है, ये भी आंदोलन 1-2-12 अगर करिएगा तो सफल होगा। हम लोग परमंडल वाइज हमारी टीम जो है सबको का वेलकम कर रही है, टोटल का वेलकम है, जो भी आना चाहते हैं सीटेट एस्टेट पास सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और 7 तारीख को आइए। दोस्त मैं कहना चाहता हूं कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मिशन सफल हो जाएगा, मिशन सफल हो जाएगा। एक बार भरोसा करके देखिए 1-2-12 का सीट एट स्टेट का आंदोलन करके, नहीं सफल हो गया तो मेरा नाम आप लोग 5.5 लाख अभ्यर्थी का जूता और मेरा सर रहेगा मेरे दोस्तों, मेरा सर रहेगा। दोस्त मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से इसको दूर दूर तक शेयर कीजिए, एक एक अभ्यर्थी को जगाने का काम कीजिए, प्रत्येक अभ्यर्थी को जगाने का काम कीजिए दोस्त, क्योंकि घर में बैठे रहिएगा। अब भगत सिंह बनना होगा, अब भगत सिंह बनना होगा। और अब देखिए दोस्त यहां पे दिक्कत आती है कि दूसरे का घर का भगत सिंह सबको अच्छा लगता है लेकिन अपने घर का भगत सिंह अच्छा नहीं लगता दोस्त। इसलिए भगत सिंह होना अच्छी बात है लेकिन घर घर से भगत सिंह निकलेगा, घर घर से भगत सिंह निकलेगा और नोटिफिकेशन और बहाली खुलाएगा, 7 तारीख को आना है दोस्त। इसलिए भगत सिंह का डायलॉग जो है सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है मेरे दोस्त। भारत माता की वंदे मातरम। लास्ट दोस्त सभी को नमस्कार, जाते जाते मैं कहना चाहता हूं 8:30 बजे मैं
डेली 8:30 रात में कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर लाइव आऊं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमंडल वाइज टेलीग्राम दिया गया, टेलीग्राम का लिंक बना है। टेलीग्राम एक परमंडल से अगर 200 भी जाते हैं तो 1800 हो जाएगा। 9 परमंडल है, 1800 का भीड़ आया जिस दिन, सरकार को झुकना, सरकार को झुकना। विशेष के लिए आप लोग का सहयोग की जरूरत है, और इस वीडियो तक, वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइए, हर किसी एक बार विश्वास। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं सीटेट पास भी अभ्यर्थी हैं, बीएड किए हुए भी हैं स्टेट, जो अभी वीडियो को शेयर करते भी नहीं, नेतागिरी करने ने ओझल नेतागिरी के फेर में रहते हैं और विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही आगे आइए, नेतृत्व कीजिए, लीड कीजिए। मुझे नेता नहीं बनना है मेरे दोस्तों, आप ही लीड कीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। लेकिन नोटिफिकेशन चाहिए, अति शीघ्र चाहिए, अति शीघ्र चाहिए। और पटना 30 तारीख को आइए, पटना 30 तारीख को पहले आइए, 30 अप्रैल को पटना आइए, गांधी मैदान में 10 बजे ट्यूटर संग्राम, बैठ करके हम लोग एक साथ ट्यूट करेंगे, एक साथ बैठ के ट्यूट करेंगे 30 तारीख को पटना में 10 बजे, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, गेट नंबर 2 के पास। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, 30 अप्रैल को। ध्यान, कुछ लोग इतना वीडियो के सुनने के बावजूद भी नहीं कान से खुलेगा, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग को एक सुई से लेकर के तलवार की जरूरत है, सबकी सहयोग की जरूरत है, सबकी सहयोग की जरूरत। धन्यवाद।